गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, दिस इज मिस्टर पिजेटाइटस। सो स्टूडेंट्स, टुडेस चैप्टर इज चैप्टर नंबर 2.4। दिस इज फॉर कम्युनिकेटिव इंग्लिश क्लास 8 एंड द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज ल्यूसी ग्रे। ओके, टुडे आई विल एक्सप्लेन द वर्ड मीनिंग एंड लेटर वी विल डिस्कस और एनालाइज ऑफ दिस चैप्टर। Then after we will go to the question answer. Okay? So, let us begin. First of all, page number 61. Okay? Page number 61. So, if you have book, so please open your book and you see. And you have to write this word meaning in your English notebook. First one is, when I crossed. The meaning is, whenever I went across. उसका मतलब ये है कि जब कभी मैंने पार किया the wild an uncultivated area of land where few people live. एक ऐसा जगह है, ऐसा एरिया है जहाँ पर खेती नहीं किया गया हो, और ऐसे जो जमीन है जहाँ पर कुछ लोग रहते हो, कुछ ही लोग रहते हो, उसी को वाइल्ड कहा जाता है, यानी जंगल। The break of day, down early morning. Break of day का मतलब हो गया बिल्कुल सुबह का समय है, जो सूर्य उदय होने से पहले का जो समय है उसी को कहा जाता है। Solitary, having no companion. Solitary का मतलब हो गया एकाकी, एकाकी यानी कोई दोस्त नहीं होंगे, कोई साथी नहीं होंगे, इस प्रकार का अवस्था को सॉलिटरी कहा जाता है। मैट कम्ब्राइड का मतलब, कम्ब्राइड का मतलब हो गया कंपानियन, साथी, फ्रेंड, दोस्त। ड्वेल का मतलब लिव्ड, रहना। मोर, हिली लैंड, पर्वतीय लैंड होगा, कवर्ड विथ बस्ट, कवर्ड विथ बसेस एंड लिटिल प्लांट्स। एक हिली एरिया होगा जहाँ पे छोटे छोटे झाड़ियों जो है वहाँ पे उगते होंगे। एट नंबर में हम देखते हैं स्पेह, स्पेह का मतलब सी, देखना। नाइन नंबर फॉन, ए बेबी डियर, बच्चा हिरण। द ग्रीन लैंड कवर विद ग्रास, जो लैंड है ग्रास से कवर होता है उसी को द ग्रीन कहा जाता है। नेक्स्ट पेज हम देखेंगे, अभी पेज नंबर आपके 62 है। जैसे कि मैं पहले कहा था, अगर आपके पास बुक है तो पेजेस ओपन करके आप समझे। स्कार्सली का मतलब हार्डली, मुश्किल से। ओके, मिनिस्टर क्लॉक, द चर्च क्लॉक, चर्च में जो घंटी बजता है उसी को मिनिस्टर क्लॉक कहा जाता है। यंडर का मतलब वेरी फार अवे, दूर दूर तक, बहुत दूर दूर तक। फिर से आ गया वेंडर इज द मून, देर इज येट एनफ टाइम फॉर द नाइट टू फॉल, रात्रि पूरा होने में
फाल होने में और भी बहुत टाइम है। हुक, सिकल, स्कैट, हुक का मतलब जो सिकल होता है उसे कहा जाता है। स्नैप्ड, कट विद अ शार्प नॉइस, ओके, किसी चीज़ को एक शार्प नॉइस के द्वारा कट करना। फॉग्ड बैंड, द स्ट्रिंग विद बीच द बंडल। फैकट, फैकट, ओके, ये नहीं दिख रहा है मुझे थोड़ा सा, हाँ अब आ गया। हैड बीन, हैड बीन टाइट, एक बंडल होगा जिसको बड़े टाइट से क्या किया जाता है, बांध दिया जाता है। पिल्ड हिज वर्क, बिकम बिजी विद हिज वर्क, अपने कार्य में व्यस्त रहना। और कंप्लीट हिज वर्क, अपने कार्य में व्यस्त रहना। ब्लिदर, ब्लिदर का मतलब हैप्पियर, खुश। रॉय, स्मॉल फीमेल डियर, जो छोटा फीमेल डियर को रॉय कहते हैं। वांटन, अप्रोटिव, प्लेफुल, अप्रोटिव या तो फिर प्लेफुल। डिस्प्रेस, स्कैटर, डिस्प्रेस का मतलब है स्कैटर, स्कैटर का मतलब हो गया बिखरना, ओके। रेस्ट, रेस्ट का मतलब वेरी सैड एंड अनहैप्पी, बहुत ही दुख और नाखुश। फार एंड वाइड, फार एंड वाइड का मतलब एवरीवेयर, जहाँ कहीं भी, जहाँ कहीं भी। 14 में ओवरलुक्ड, गेव ए व्यू फ्रॉम अबोव, ऊपर से खड़ा होकर के देखना। 15 देंस, फ्रॉम देयर, वहाँ से, फ्रॉम देयर का मतलब वहाँ से। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 63। मैं वर्ड मीनिंग इसलिए बता रहा हूँ ताकि वर्ड मीनिंग समझने के बाद लेसन को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। स्पाइट, स्पाइट का मतलब शो, देखना। स्टिप, हैविंग ए शार्प स्लोप, जो फिसल पट्टी जैसे, मतलब जिस प्रकार रहता है तो ऐसे ही एक स्लोप को कहा जाता है। ट्रैश्ड, फाउंड आफ्टर लुकिंग केयरफुली, बहुत ही और केयरफुली देखने के बाद प्राप्त करना। हार्ट हॉर्न, ए थ्रोनी बुश विथ व्हाइट, रेड और पिंक फ्लावर। हाउथ्रन का मतलब है एक ऐसे कांटेदार झाड़ियाँ है जिसमें रेड और पिंक फ्लावर होते हैं। 5th नंबर ट्रैक्ट, फॉलोइड, फॉलोइड का मतलब पीछे के पीछे होना। स्नोई बैंक, बैंक ऑफ द स्ट्रीम दैट हैड बीन कवर्ड विद स्नो, एक स्ट्रीम होगा, एक छोटा नदी होगा और जिसका जो किनारा है, बैंक है, वो बर्फ का चादर उसके ऊपर बिछ गया होगा, यानी बर्फ से वो ढक गया होगा। पलंग, ए लॉन्ग पीस ऑफ वुड, ठीक है, पलंग का मतलब ये हो गया एक लंबा लकड़ी का फंटा जिसको हम कहते हैं। दैट इज हैवी, वो बहुत भारी भी है, थिक मोटा भी है, फ्लैट चौड़ा भी है एंड नैरो और पतला भी है।
ओके किसी भी तरह से हो सकता है। मेंटेन, थिंक एज ट्रू, मेंटेन का मतलब है कि सत्य विचार करो जैसे सत्य हो। लैंडसम लॉनली का मतलब वो अकेला है। ट्रिप्स स्किप अबाउट विथ क्विक लाइट स्टेप, मतलब स्किप करते हुए आगे बढ़ना, एक लाइट स्टेप जिसको हम कहते हैं। सॉलिटरी सॉन्ग sung alone इन ए लॉनली प्लेस। सॉलिटरी सॉन्ग का मतलब है गीत गाना एक अकेली जगह पर। लॉनली प्लेस का मतलब है एकाकी जगह पर। तो आज के लिए इतना ही है। अब तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें। थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू। हैव ए गुड डे।